चाहती हूँ कि सोना पे तूफान आ जाए। मैं कमरे में बंद हो जाऊँ, चैनल बंद कर लूँ दरवाजा, तब आपको संतोष मिलेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वदेश आर में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। देश के जो खिलाड़ी विदेशों में जाकर रिंग में अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देते थे, आज वो रेसलर्स अपने ही फेडरेशन के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर दंगल कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कें इस वक्त अखाड़े में तब्दील हो रही हैं, जिसके सेंटर में है देश को मेडल दिलाने वाले, देश की शान रेसलर्स और वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन है यानी भारतीय कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह। आरोप है WFI चीफ पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का और मांग है उनके इस्तीफे की। स्वदेश आर में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और दिल्ली के जंतर मंतर का मंजर अखाड़े में बदला हुआ है। पहलवान अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं और WFI अध्यक्ष इस्तीफा न देने की जिद पर अड़े हैं। बैठकों का दौर भी जारी है और खिलाड़ियों को मनाने की तमाम कोशिशें उनकी बुलंद मांगों के सामने नाकाफी साबित हो रही हैं। सवाल है कि ये जो तमाम आरोप अध्यक्ष पर लगे हैं, अगर वो सत्य हैं तो विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन करने वाले, देश की बेटियां जो कि बड़े बड़े सूरमाओं को पटखनी देती हैं, वो किस तरह से सुरक्षित कही जाएंगी और आम बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे में कौन लेगा? खेल में सियासत का दखल आखिर कब तक जारी रहेगा? और इस मामले के गरमाने के बाद सवाल कई और खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों पर हम आज बड़ी गंभीर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी करिश्मा सिंह जुड़ चुकी हैं। करिश्मा का रुख करते हैं। करिश्मा, जरा बताएं आज दिन भर क्या हुआ, अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ है, जो खिलाड़ी हैं वो क्या कह रहे हैं, कई दौर की कहा जा रहा है जो बातचीत है उसमें किसी तरह का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, खिलाड़ी इस वक्त अंदर हैं अनुराग ठाकुर के घर, जहां से हम इस वक्त आ रहे हैं आपके पास। अंदर जो है वो मीटिंग चालू हो चुकी है अनुराग ठाकुर और बचे हुए खिलाड़ियों के बीच में, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, क्योंकि इसी में डिसाइड होगा कि आगे आने वाले टाइम पर अब क्या होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो रेसलर्स के सामने एक प्रस्ताव रखेगी, जिसमें वो उनको कहेगी कि हम एक 3-मेंबर पैनल आपको बना के देंगे जो एक वुमन जज हेड करेगी। क्या ये रेसलर्स को मंजूर होगा वो हमें देखने के लिए वक्त लगेगा कि क्या रेसलर्स ये मांग मानते हैं या नहीं मानते हैं। उसके अलावा जहां तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात है, हमें बताया जा रहा है कि वो बृजभूषण शरण को शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं कि जो एलिगेशन उन पर लगाई गई है उनका क्या कहना है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 दिन होने वाले हैं आने के लिए। अभी गोंडा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें बृजभूषण शरण के बेटे का कहना है कि वो सिर्फ अयोध्या में बात करेंगे, जब AGM होगी WFI की सारे मेंबर्स से वो बात करेंगे, उसके बाद ही वो मीडिया से बात करेंगे और एक फॉर्मल स्टेटमेंट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक जरूरी मीटिंग है, मेक और ब्रेक मीटिंग होगी ये, क्योंकि अगर रेसलर्स आज भी नाखुश होते हैं तो फिर 4th दिन भी हम उन्हें जंतर मंतर पे बैठा हुआ पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम की और इस पूरे जो इस वक्त हम एक तरह से गतिरोध देख रहे हैं, अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें, अगर इसकी बैक स्टोरी में जाएं तो कैसे शुरुआत होती है, जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि आज हम ईटी नाउ स्वदेश पर इस विषय पर एक गंभीर चर्चा करने वाले हैं, तो वो बैकग्राउंड जानना बेहद ज़रूरी है तमाम दर्शकों के लिए। करिश्मा, अब तक आवाज पहुंच रही है? बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए। और चार की डिमांड्स जो हैं वो की गई हैं IOA के जरिए। रेसलर्स ने अपनी मांगे रखी हैं, उन्होंने कहा है कि WFI का जो है वो पूरा खत्म कर दिया जाए, जो बृजभूषण शरण प्रेसिडेंट हैं वो अपना इस्तीफा दें, सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एक्सप्लॉयटेशन के जो एलिगेशंस हैं उनको देखने के लिए एक कमिटी बनाई जाए, और भी एक मांग उन्होंने रखी है कि एक नई WFI को बनाया
लगाया जाए, कोई भी पुराना मेंबर नहीं होना चाहिए। ये सारी मांगे रेसलर्स ने की हैं आईओए से। अब इसके लिए एक कमिटी जरूर फॉर्म हो सकती है, जैसा मैंने कहा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये प्रस्ताव उनको देगी, क्योंकि ओलंपिक चार्टर भी होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी भी होती है, इंटरनेशनल फेडरेशन भी होती है, सबका ध्यान रखते हुए ही ये फैसले लिए जा सकते हैं, एकदम से नहीं लिए जा सकते हैं। यही कोशिश स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री करेगा रेसलर्स को समझाने की, क्या वो समझते हैं, क्या वो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए मानते हैं, क्या वो पैनल के लिए मानते हैं। ये जब वो इस घर से निकलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस मीटिंग में क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और करिश्मा, हम लगातार देख रहे हैं जो खेल है उसमें विवादों का जो है वो आज का सामना नहीं हो रहा है, विवाद हमेशा से रहे हैं, और इस बार हम देख रहे हैं कि जो नाम है वो बड़े क्रेडिबल नाम हैं और सभी सामने आए हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पानी सर के ऊपर निकल गया था, बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं इन सब को लेकर। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हम ये भी चाहेंगे कि ज़रा आप अगर वहाँ पर दिखा पाएँ किस तरह की गहमा गहमी है, और इसके अलावा बता पाएँ कि आखिर फिलहाल किस किस तरह कि जो वहां पर चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अनुराग ठाकुर के घर के बाहर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी मीडिया वाले भी हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर ही यही है कि रेसलर्स के साथ क्या होगा, क्या उनको फिर से सड़कों पर बैठना पड़ेगा या उनकी जो डिमांड्स हैं वो मान ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यही इस वक्त की सबसे बड़ी चर्चा जो है वो यहाँ चल रही है। जब वो यहाँ से निकलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या उनकी डिमांड्स मानी गई हैं या नहीं मानी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे करिश्मा आपका हम तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, और उम्मीद यही करते हैं कि जो ये बातचीत है फिलहाल अनुराग ठाकुर के साथ उसमें कोई समाधान निकले, क्योंकि लगातार अगर ये समाधान नहीं निकलता चौथा दिन होगा जब रेसलर्स जो हैं वो इस तरह से धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। और इस पर बृजभूषण जी का क्या कहना है, आखिर उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। देखिए, रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते हैं, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है, और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला था, खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। तो लगातार गतिरोध बना हुआ है और यही कोशिश कि इसका कोई समाधान निकले। बढ़ते आगे, सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए डीबीटी के पायलट की तैयारी पूरी कर चुकी है, जल्द स्कीम का पायलट शुरू होगा, और इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सब्सिडी की अदायगी के लिए डीबीटी स्कीम की शुरुआत करना चाहती है और अब उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट करने पर सहमति बन गई है। दरअसल कर्नाटक गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट करने पर रजामंदी दे दी है और इसके लिए जो जरूरी इंतजाम है वो भी कर लिया गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने एक्चुअल फार्मर्स की जानकारी जुटा ली है, कौन लैंड ओनर है, कौन टेनेंट फार्मर्स है, उसकी जानकारी जो है आधार नंबर के साथ जुटा लिए गए हैं और अब जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी इस स्कीम के लिए। इसके प्रस्ताव के हिसाब से, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, जो लैंड ओनर है उसको इस बात का विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने सहित 5 लोगों के नाम अधिकृत कर सकता है आधार नंबर के साथ, जिसको कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा। संबंधित लैंड पार्सल पर एक क्रॉप सीजन में 5 ही अधिकृत व्यक्ति में से कोई एक ही व्यक्ति फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है डीबीटी के थ्रू, और उसका मिलान जो है आधार नंबर के साथ किया जाएगा। अगर किसी साल में टेनेंट फार्मर्स की जो जानकारी है उसमें बदलाव करना है, किसी व्यक्ति का नाम हटाना है और किसी को जोड़ना है, उसकी भी जानकारी आधार नंबर के साथ लैंड ओनर को अपडेट करना होगा। इसका मकसद ये है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अदायगी में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जो एक्चुअल फार्मर है उसी को फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी की अदायगी है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और चालू वित्त वर्ष में ये 2,15,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। बढ़ते आगे,
डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह एक्शन महिला से बदसलूकी मामले में लिया गया है। 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया फ्लीट के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया है। डीजीसीए के एक्शन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एयर इंडिया पी गेट मसले पर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए एयरलाइन यानी कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, क्योंकि उन्होंने डीजीसीए के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो पायलट इन कमांड है न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट का, उस पर उसका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है। 3 लाख रुपए का जुर्माना डायरेक्टर इन फ्लाइट सर्विसेज एयर इंडिया को लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, खासकर जो डीजीसीए की जो रूल्स है उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया था। तो एक कड़ा रुख यहां पर एविएशन वॉचडॉग डीजीसीए का, जहां पर एयरलाइन पर आर्थिक दंड लगाया गया है, तो वहीं पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पहले हमने देखा कि एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान में यह बताया था कि जो एक्यूज्ड है शंकर मिश्रा, उसको नो फ्लाई लिस्ट पे पहले ही डाला जा चुका है। 4 महीने के लिए वो एयरलाइन के साथ फ्लाई नहीं कर सके। इस बीच आप देख पा रहे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ चुके हैं। इससे पहले जियो ने भी अपने नंबर्स दिखाए थे, लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स के साथ हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक जैन जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ राजेश अग्रवाल भी होंगे, जिनसे हम बातचीत करके समझेंगे कि ओवरऑल ये नंबर्स कैसे देखे जाए। फिलहाल मैं एक एक करके दो जो नंबर्स आए हैं, जो मोटे मोटे नंबर्स आए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मार्जिन्स वगैरह हम सब चीज़ के अंदर क्लब करते हुए चलेंगे जैसे जैसे फ्लैशेज आती जाएंगी। पहले प्रॉफिट आया है, 15,000 करोड़ रुपये का कंपनी ने इसमें प्रॉफिट दर्ज किया है, और जो रेवेन्यू आया है वो 2,17,000 का आया, 2,30,000 से। हालांकि पहले से अनुमान था करीब 6.5% के आसपास का रेवेन्यू कम आएगा, तो इसलिए 2,30,000 से 2,17,000 का नंबर रहा है। ये आप कह सकते हैं कि जितना अनुमान था करीब करीब वैसा ही घट के ही नंबर आया है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी 13,656 करोड़ से बढ़कर इस बार जो नंबर आया वो करीब 15,000 करोड़ का आया है। अबीटा भी मैं आपको बता देता हूँ, इस बीच अबीटा आया 35,247 करोड़ रुपये का, ये 31,000+ करोड़ रुपये से बढ़ा है। तो कुल मिला के नंबर मोटा मोटी जो दो हमारे हिस्से थे उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, यानी कि बहुत एक्साइटिंग भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। पहले मैं रेवेन्यू वाले पार्ट पे आता हूँ। रेवेन्यू जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6.5% के आसपास की गिरावट आएगी, तो कुछ कुछ वैसे ही गिरावट हमको आती हुई दिखी है। उसके अलावा पैट 15,796 करोड़, करीब 16,000 करोड़ रुपये का नंबर एक्सपेक्टेड था, ऑलमोस्ट वही नंबर आया। पैट तो खैर बढ़कर आया है। इसके अलावा अबिटा भी करीब 35,247 करोड़ रुपये का आया है, और ये जो पिछली बार था 31,000 करोड़ से बढ़ा हुआ है। मेरे साथ अभिषेक जैन अभी जुड़ जाएंगे और राजेश अग्रवाल से भी हम बातचीत करके ज़रा समझने की कोशिश करेंगे इस नंबर्स को कैसे रीड करना चाहिए। मैं फिर से कुछ एक आपके सामने नंबर्स वापस से लेके आता हूँ, जो 3 नंबर मेरे पास इंपॉर्टेंट आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, मार्जिन का भी नंबर आया। मार्जिन का नंबर इंटरेस्टिंग है, 16.5% के एबिट मार्जिन के साथ नंबर आया है। टिपिकली जब भी किसी कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होकर आ रहा है तो इंटरेस्टिंग आ रहा है, और 12.5% से इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट है, 3% से कहीं ज़्यादा की है। तो एक नंबर जिसको आप कह सकते हैं कि मार्केट्स की उम्मीद से थोड़ा बेहतर है, वो है एबिट मार्जिन का नंबर, और ये 16% के आसपास का है। एबिटा का जो नंबर मैं आपके स्क्रीन पे रख ले रहा हूँ वो है करीब 35,247 का, और साथ ही साथ पैट का नंबर आया 15,792 करोड़ रुपये का। तो कुल मिला के जितने नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने ही नंबर्स मार्केट के या तो उम्मीद के मुताबिक या स्लाइटली इम्प्रूव होके आते हुए दिख रहे हैं। राजेश अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं दो चीज़ों के साथ आपके साथ शुरुआत करूँगा। पहले सिर्फ एबिट के साथ ही, जिसको हम हिंदी में कामकाजी मुनाफा कहते हैं और कामकाजी मार्जिन, मैं दोनों आपको बताता हूँ। इनके मार्जिन आए सर 16.2%, जो कि आए 13.5% से थोड़े ज़्यादा, यानी कि 16% का इन्होंने मार्जिन दिखाया। दूसरा, इनके पास जो कामकाजी मुनाफा आया वो आया सर 35,000+ करोड़, और ये 31,000+ करोड़ से बढ़कर आया, यानी कि ये करीब 4,000 करोड़ रुपया बढ़ा है। सर, फर्स्ट रिएक्शन इन दोनों चीज़ों पर, प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू पर बाद में आता हूँ। देखिए, नंबर्स हमारे हिसाब से तो अच्छे आए हैं। ये दोनों ही पायदान जो आप बता रहे हो उम्मीद के मुताबिक ही है। ना तो मैं इसे कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया है, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है।
अजय जी, ये नंबर को मैं ठीक मानूं, ये अबीटा और अबीटा मार्जिन वाले नंबर्स को मैं इसको प्लस मार्क दे सकता हूं? एक्चुअली मैं आपके साथ डिस्कस करके यही क्लोज करते हुए चल रहे हैं, तो इसको प्लस मार्क्स दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है राजेश सर, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू के अंदर। हालांकि मार्केट पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इनका कैपेक्स वगैरह हुआ है, तो थोड़ा रेवेन्यू के फ्रंट पे हमको उतने अच्छे नंबर्स नहीं भी दिखेंगे, है ना। वो ये 2,30,000 करोड़ से घटकर 2,17,000 करोड़ आया, ये भी मार्केट के अनुमान के मुताबिक है। मार्केट पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था करीब 5% के आसपास का कट आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आया इस बार 15,000 करोड़ से 16,500 करोड़ का। सर एक बार जरा पैट और रेवेन्यू को भी चेक करके बता दीजिए, आपके अनुमान के मुताबिक है या खराब है? अनुमान से बेहतर है, क्योंकि हम लोग जो पैट का अनुमान लगा रखे थे वो 15,300 के आसपास का था, तो उस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो अनुमान से बेहतर आए हैं। ठीक है राजेश सर, एक मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं जरा अपने रिसर्च को भी जोड़ लेता हूँ अपने साथ। सौमित सरकार जो इस नंबर्स को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, सौमित मैं दो हिस्सों में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फर्स्ट, एक तो मेरे को एबिटा का मार्जिन जो कि 16+ आया है, और साथ ही एबिट का नंबर जो कि 35,000+ करोड़ रुपये आया है, इन दोनों नंबर्स उम्मीद से बेहतर माने, इनको हम प्लस मार्क्स कर सकते हैं? बात करें तो उसमें 4% का बीट देखने को मिला। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था एबिटा नंबर करीब 33,700 करोड़ के आसपास आ सकता है, बट कंपनी ने जो एबिटा रिपोर्ट किया है वो करीब 35,247 करोड़ का रिपोर्ट किया। अब इसके पीछे का रीजन जो है वो मेनली हमें दिखाई दे रहा है कि O2C सेगमेंट जो है उसके एबिटा में अच्छा खासा बीट आया है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था O2C सेगमेंट का जो एबिटा होगा वो करीब 12,600 करोड़ के आसपास का होगा, बट कंपनी ने 13,926 करोड़ का एबिटा नंबर रिपोर्ट किया है O2C सेगमेंट कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है। इसके पीछे दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये है कि Q3 में अगर आप देखें तो सेस जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक रिफाइनरी है उस पे से एक्सपोर्ट टैक्स हटा दिया गया था, और रिलेटिव बेसिस पर अगर हम देखें तो विंडफॉल टैक्स का इंपैक्ट भी थर्ड क्वार्टर और FY23 में कम था, और इसी कारण शायद O2C सेगमेंट में एक अच्छा खासा बीट देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिटेल बिजनेस का जो नंबर आया है एबिटा नंबर खासकर अगर हम देखें तो उस पर करीब 8% का सिक्वेंशियल ग्रोथ है, और ये नंबर एनालिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब बराबर आया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन उस पर सबसे बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेड था करीब 22% का, और एग्जैक्टली 22% का ग्रोथ आया है, और ये नंबर करीब 3,880 करोड़ के आसपास है जो कि वापस एनालिस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक है। तो अगर हम सेगमेंट वाइज की बात करें तो O2C सेगमेंट जो ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है उसमें अच्छा खासा बीट देखने को मिला है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट रिटेल सेगमेंट इन लाइन आया है, और जियो के नंबर्स जो पहले रिपोर्ट किए गए थे उसमें एक मार्जिनल मिस देखने को मिला है। अभी तक हमें ARPU और सब्सक्राइबर नंबर्स जियो के नहीं मिले, तो हम अभी उस नंबर को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक पॉइंट आप एक क्वेश्चन आपसे मैं एक और पता करना है। ठीक है, ARPU के नंबर जैसे हम आ जाएंगे हम भी रिपोर्ट करके आपको बता देंगे। ये जो रिटेल का मार्जिन आया करीब 7% का, मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा था स्वामी? क्योंकि इसमें ना कुछ ज़्यादा सिक्वेंशली चेंज नहीं है, ये 6.8 से 7.1 आया है, क्या मार्केट भी 7% ही एक्सपेक्ट कर रहा था? एग्जैक्टली, मार्केट भी 7.1% के एक्सपेक्टेशन के साथ ही चल रहा था। रिटेल का एबिटा जो नंबर था वो करीब वो भी 7% से ही ग्रो करने वाला था, और उतने से ही ग्रो किया है। तो रिटेल सेगमेंट जो है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी इन लाइन आया है, और जो भी ग्रोथ हमें देखने को मिला है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस रिटेल बिजनेस में वो स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटप्रिंट के कारण देखने मिला है। Q3 चूंकि एक फेस्टिव सीजन था तो शायद उस समय ग्रॉसरी और फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेल्स ज़्यादा हुए रहेंगे, और इसी कारण हमें ये 7% सिक्वेंशियल ग्रोथ एबिटा में देखने मिला है रिटेल सेगमेंट। जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेवेन्यू में थोड़ा डिप आएगा, ये मार्केट से एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा का डिप आया, या फिर ये भी इन लाइन ही है, क्योंकि हम पूरी 5.6% के आसपास का डिप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेवेन्यू में आएगा? खासकर अगर एक्चुअली बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कंसोलिडेट नंबर्स है उसमें रेवेन्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी फ्लक्चुएट होता है क्योंकि प्रोडक्ट प्राइसेस काफ़ी ऊपर नीचे मूव होते हैं। बट जो भी रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है करीब 2,17,164 करोड़ का, उसमें हल्का सा एक मिस हुआ है, बट इट्स बहुत बड़ा मिस नहीं है, इनलाइन ही कहा जाएगा उस नंबर को अगर एस्टिमेट्स के सामने हम देखें तो। ठीक है, तो हम सेगमेंट टू सेगमेंट अगर देखें तो इनका OTC जिसको आप ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहते हैं वहाँ पे मार्जिन करीब 8% का है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट की उम्मीद के मुताबिक है, उसको हम पासिंग मार्क्स यानी कि बढ़िया कह सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। रिटेल सेगमेंट इनका दूसरा बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे इनके मार्जिन आए करीब 7% के,
और ये भी सिक्वेंशियल बेसिस पर यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़े हैं और मार्केट की उम्मीद के मुताबिक आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड 7.1%। तो इसको भी हम पासिंग मार्क्स कर सकते हैं और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4700+ करोड़ रुपये आएगा, उतने ही 4700+ करोड़ रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी आई है। थर्ड इज जियो। अभी इसके आरपू के नंबर आए नहीं, सो इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ स्लाइटली मार्जिन थोड़ा सा मिस हुआ था जियो के अंदर, लेकिन स्लाइटली मिस तो आपको रेवेन्यू फ्रंट पे भी देखने को मिलेगा क्योंकि वो 2,30,000 से 2,17,000 करोड़ है। हालांकि मार्केट पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि वो थोड़ा कम ही आएगा। सौमिता हमारे साथ कुछ और अपडेट आपको मिलते हैं तो जरा वापस से जुड़िएगा हमारे साथ, लेकिन इस बीच मेरे साथ दो मेहमान हैं, मैं उनसे जरा बातचीत करके समझता हूँ कि इस नंबर्स को हम कितने मार्क्स दे सकते हैं और कल परसों जब रिलायंस का शेयर खुलेगा तो ये कैसे खुलेगा। अभिषेक, आपने देख ही लिए होंगे, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। मोटा मोटी सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करके रखते हैं तो सामने टिपिकली अगर सेगमेंट टू सेगमेंट नंबर देखेंगे तो नंबर्स ख़राब नहीं है। रिलायंस को ये कहा जा सकता है कंसोलिडेशन की बेसिस पर देख के नंबर स्लाइटली या तो उम्मीद के मुताबिक या उससे थोड़े बेहतर ही हैं, ख़राब तो ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे स्लाइटली मिस है, वो जियो के मार्जिन पे भी स्लाइटली मिस है, बस इसके अलावा ज़्यादातर कैटेगरीज में ठीक है। एक बार आप मेरे को जरा इसके बारे में बताएंगे, आप इस नंबर को कैसे कैलकुलेट करें सर, आपके हिसाब से कैसे है नंबर ये? हाँ सर, हमारे आउटलुक के हिसाब से भी नंबर जो आप बोल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में। राइट नाउ जो हमारा मार्जिन का था कि हमारा अनुमान था कि मार्जिन तकरीबन 12,900 करोड़ का इबिटा रहेगा, इबिटा में 1,000 करोड़ करीब का बेहतर परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने। ऑल्सो रिटेल में इनलाइन काइंड ऑफ नंबर ही हैं राइट नाउ, बट मेरा ये व्यू है कि रिटेल में भी थोड़ा सा हमारा 4650 करोड़ का इबिटा का था राइट नाउ, उसमें भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस ही मिला है राइट नाउ। अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली ऑन द ओटीसी साइड जहाँ पे मेरे को लगता है प्रोडक्ट स्प्रेड उनके फेवर में काम किए हैं राइट नाउ, तो उसका इनको बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें जियो के नंबर जो थे वो स्लाइटली आप वो ऑलरेडी जो आ गए थे वो थोड़े वीक थे, बट उसमें कमेंट्री कैसी रहेगी वो आज एनालिस्ट मीट है इनके 8 बजे, उस टाइम दे विल बी टॉकिंग दिस थिंग, तो वो देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल बेसिस पे नंबर हमारे उम्मीद से बेहतर ही है और हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से आपको अच्छा मूवमेंट देने का यहाँ से मूवमेंट करेगा राइट नाउ। और सबसे बड़ी बात है कि आप जीआरएम वगैरह में भी आपने लास्ट 1-2 महीने में रिकवरी देखी है तो उसका भी इनको बेनिफिट मिला ही होगा डेफिनेटली। हाँ नहीं, वो दिख भी रहा है इनके ओटीसी बिजनेस के अंदर हमको दिखता है टिपिकली वो 8.5% का मार्जिन ये जो शो कर रहे हैं वो 6% से बढ़कर आया है। अभिषेक, आपने भी इस नंबर्स को उम्मीद से बेहतर या फिर इसको ठीक ही बोला है, मेरे को सिर्फ आपसे एक और चीज़ समझनी है, इनका जो ऑपरेशन फ्रंट्स पे जो कामकाज है मार्जिन, मेरे को यहाँ पे ज़रा एक्साइटमेंट ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना कंसो नंबर के अंदर अगर आप कैलकुलेशन पे जाएंगे वो तो मार्केट एक्सपेक्टेड था। अच्छा, इनके मैं आरपू के नंबर बताया तो 178 रुपये आ गए हैं, पिछली बार जब जियो के नंबर या 2 घंटे पहले देते तब ये नहीं आया था, अभी 178.40 रुपये का आरपू आया, पहली बार 177 रुपये कुछ था। एक बार आरपू पे कमेंट करेंगे अभिषेक, आपको कैसे लगे इसके आरपू नंबर, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मिथ्या राइट नाउ तो आरपू में इतना मेरे को उतना नहीं लगा है, और इसमें आपको आपको नंबर्स में भी लग ही रहा था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे नंबर्स में आपको दिखेगा, बट नंबर्स के हिसाब से मैं यानी कि हो सकता है इसमें कुछ नंबर ऑफ डेज वगैरह और इसका हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन का उसका इंपैक्ट आया हो, बट ये डेफिनेटली आई वुड गिव अ पास ऑन लाइक आई विल सी आई गिव अ मार्जिनल बेनिफिट टू द कंपनी ऑन द आरपू साइड राइट नाउ। हेलो, ओके ठीक है अभिषेक, मैं इसको फिर से कैटेगराइज कर रहा हूँ आपसे, मैं एक एक करके जरा कुछ एक चीज़ें और पता करता हूँ। फर्स्ट, जैसे अभी आपने मेरे को कहा कि आरपू का हम एक नॉर्मल नंबर मानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं और ज़्यादा बदलाव भी नहीं है, सिर्फ 1 रुपये का मामूली सा बदलाव है। हालांकि ये इंडस्ट्री के अंदर सेकेंड बेस्ट आरपू नंबर है, इससे पहले भारती सबसे बेस्ट देता है, लेकिन इंडस्ट्री की एक फिलोसफी है, इंडस्ट्री ये कहती है कि जब तक हम 200 रुपये का आरपू नहीं दिखाते तब तक हम बहुत अच्छा इसको नहीं मानेंगे, तो इसलिए 200 रुपये के आरपू जब तक नहीं आते तब तक स्लाइटली इस नंबर को मार्केट एक एक पॉजिटिव टू एक रेंज का ही मान के चलेगा, इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं कैलकुलेट करेगा जब तक 200 के नहीं आते, खुद इंडस्ट्री का ऐसा मानना है। अच्छा अभिषेक, एक चीज़ मेरे को बताइए, मैं उसी क्वेश्चन पे वापस आ रहा था जो मैंने आरपू के उसे रोक दिया था, वो थे इनके ऑपरेटिंग मार्जन्स जो कि 16% आए, कम नहीं है? रिलायंस के 16% ऑपरेटिंग मार्जन्स आना और 13% से सिक्वेंशली इंक्रीज होकर आए हैं 16.2%,
और इनका जो एबिट का रुपी में है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए आया है। तो ये मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है बजाय मैं टोटल प्रॉफिट को बोलूं कि हाँ ये थोड़ा उम्मीद से बेहतर है, रेवेन्यू ने स्लाइटली मिस किया। तो आप ऑपरेशनल फ्रंट पे रिलायंस के नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेशनल फ्रंट पे भी अगर हम देखेंगे नंबर्स अच्छे ही हैं, नंबर्स में आपकी देखना पड़ेगा प्रोडक्ट स्प्रेड वगैरह इनके फेवर में काम किया होगा डेफिनेटली। और आज जिस हिसाब से रिलायंस का साइज है, जिस हिसाब से आज की तारीख में मार्जिन वगैरह है, आप पीयर्स में भी देख लीजिए आप कंपैरेटिवली। और आप जियो का मेरा ये व्यू है, जैसे आप बोल रहे थे कि 200 रुपए का जो है वो मेरे को लगता है जैसे जैसे 5G का आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा राइट नाउ, बिकॉज अभी 5G इम्प्लीमेंटेशन ऑनसेट पे हुआ नहीं है और अब धीरे धीरे 5G में होगा, तो आपको वहां पे आरपू का बिकॉज रिलायंस के कस्टमर्स में माइग्रेशन जो होगा 4G टू 5G होगा, तो हैंडसेट का इतना इशू नहीं आएगा, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं राइट नाउ तो जियो के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि आप ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और डेफिनेटली रिटेल साइड पे देखना पड़ेगा कि भाई हाउ एग्जैक्टली, बिकॉज मैं आज की तारीख में रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो इसका 50% से ज्यादा का इबिटा और क्लोज टू 35% के करीब का नंबर आज की तारीख में आता जो आता है वो रिटेल B2C सेगमेंट से आता है। तो आप वो मार्केट आज की तारीख में भी कितना बड़ी साइज की कंपनी जो मिल रही है राइट नाउ वो आपको एकदम यानी कि ये वैल्यूएशन वाइज में हमारा ये व्यू है कि डेफिनेटली इसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है कि ये स्टॉक मार्केट में आगे जाके रिरेटिंग का रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करके चलो कि जब मंडे को रिलायंस का शेयर खोलेगा तो अपने ऑपरेशनल बेनिफिट से यानी कि ऑपरेशनल नंबर से, अपने O2C OTC नंबर के कारोबार से, अपने रिटेल के 7% के मार्जिन से और जियो को एक नॉर्मल या फिर ये कहें कि एक स्लाइटली साइडवेज समझते हुए ये पॉजिटिव खोलेगा। चांसेस कितने कि 2500 के ऊपर आके ट्रेड कर सकता है अभिषेक? डेफिनेटली। और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में ना अगर आप देखेंगे जियो के पहले इस बार पोजीशनिंग नहीं हुई है लॉन्ग साइड पे, अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है। जनरली हमने कई बार देखा है कि स्टॉक ऊपर खुलता है और उसके बाद अच्छे नंबर के बाद स्टॉक चल जाता है बिकॉज प्री मार्केट रैली और या जो आप बोलेंगे प्री पोजिशनिंग साइड पे भी। तो मेरे को लगता है कि अब मंडे को डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने अभी तक रिलायंस को अंडरवेट कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में वो आगे जाके इसमें अपना वेटेज डेफिनेटली बढ़ाएंगे। ओके ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपका मैंने समय थोड़ा ज़्यादा भी ले लिया लेकिन हाँ कुल मिला के मैं अगर नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो नंबर्स को ठीक माना जाएगा या फिर उम्मीद से बेहतर इसको समझे, इसको उस कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। मैं फिर से आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखता चलता हूँ जहाँ जहाँ से नंबर आपको थोड़े ठीक या फिर स्लाइटली एक रेंज के अंदर लगेंगे। मैं एक एक करके बिजनेस पे आता हूँ। पहले आता हूँ इनका OTC बिजनेस, इसको ऑयल टू केमिकल बिजनेस कहा जाता है टिपिकली। और यहाँ पर जो कंपनी ने अपने मार्जिन दर्ज किए हैं वो करीब 8% से ज़्यादा के दर्ज किए हैं और ये सिक्वेंशियल बेसिस यानी कि पिछली बार के मुकाबले ये 6% से बढ़े हैं 8%, 2% के मार्जिन इस जगह पे इंक्रीज होना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इसलिए इसको OTC बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्जिन के नाम पर ही, हालांकि इसके रेवेन्यू और इसके प्रॉफिटेबिलिटी की एडजस्टमेंट होती है वो मार्केट एक्सपेक्ट करता है, वो भी नंबर भी ठीक ही आए वो इतने भी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी 8% के मार्जिन ये इंडिकेट करते हैं कि प्रॉफिट का टर्म्स ठीक होगा इनका। ये तो हो गया पहला हिस्सा। दूसरा आता है इनका रिटेल का हिस्सा, यहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा पैसा आजकल इसी चीज़ पे लग रहा है और जो इनका कैपेक्स है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा रिटेल को भी देते हैं ये। उसके अंदर जो मार्जिन आए हैं टिपिकली रिटेल के अंदर वो आए हैं करीब 7.1% के मार्जिन हैं, वो बढ़कर आए हैं ये 6.8% से। ये भी मार्जिन इंडिकेट कर रहा है कि जो फुटफॉल है वो ठीक रहा होगा, इनकी फेस्टिवल सीजन की सेल ठीक रही होगी और साथ ही साथ ये भी बता रहा, इससे ये भी पता लग रहा है इसी मार्जिन से कि आगे चल के प्रॉफिट्स वगैरह भी ठीक होंगे और इन्फ्लेशन को इन्होंने काफ़ी अच्छे से हेज भी किया है। तो ये दूसरा पॉइंट है जिससे ये कहा सकता है कि नंबर्स ठीक है, सिर्फ मार्जिन से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है जियो का। जियो में दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इस सब्सक्राइबर कितने होते हैं, दूसरा आरपू कितना होता है। देखिए इनका आरपू तो आया 178 रुपये कुछ पैसे, जो कि 177 रुपये से बढ़कर आया, बढ़ा है 1 रुपया। इंडस्ट्री के हिसाब से जब तक 200 आता नहीं तब तक कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो 178 का आरपू ये कहता है कि फिलहाल नंबर ये ठीक है, आरपू इतना ख़राब नहीं है। हालांकि मार्केट एक्सपेक्ट तो हमेशा ज़्यादा करेगा लेकिन 5G रोल आउट अभी कुछ ही शहरों में हुआ है। ये 5G जैसे जैसे अभिषेक भी बता रहे थे, जैसे जैसे 5G रोल आउट बढ़ेगा तो आने वाले 2 क्वार्टर्स में आरपू हो सकता है 200 के भी पार हो जाए, क्योंकि 5G के अंदर कनेक्टिविटी स्पीड अच्छी होती है और जो वैल्यू एडेड जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमको काफ़ी हद तक थोड़ी ज़्यादा आके मिलती है। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है।
दूसरा मैं एक जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्राइबर बता रहा था, वो सब्सक्राइबर आए 432 मिलियन। तो ये भी इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं क्योंकि पिछली बार से ये भी इंक्रीज हुआ है। और ध्यान देना चाहिए, पहले ये ओलिगोपोली मार्केट हुआ करता था, अब ये डुओपोली मार्केट है, यानी कि आइडिया के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो घटते हैं, या दो ही जगह पर जाते हैं, या तो जियो के पास या तो भारतीय एयरटेल के पास। और इसका फ़ायदा हमको हर बार के क्वार्टरली नंबर या फिर मंथली नंबर्स पे हमको आते हुए दिखे हैं। तो जियो ने दो फ्रंट पे अपने लिए ठीक रखा है, ज़्यादा ख़राब नहीं किया, इंस्पाइट ऑफ दिस कि मार्जिन मिस हुए उनके। वो ये है कि इनके सब्सक्रिप्शन का नंबर ठीक आया है, और साथ ही इनके आरबू बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो मैंने आपको तीन कैटेगरी बता दी, फर्स्ट इज़ ओटीसी, सेकंड इज़ अ रिटेल, थर्ड वन इज़ अ जियो। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी ने भी यही बात अभी आपके सामने रख रहे हैं, वो भी कि इस नंबर से वो उम्मीद तो खैर अभी और भी करते हैं आगे चल के सुधार होगा। वो ये कह रहे हैं कि 5G रोल आउट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आगे चल के जियो, कुल मिला के रिलायंस के लिए और जियो के लिए भी उनका फोकस आगे चल के रिटेल भी होगा, ये भी उनकी बातों से साफ साफ निकल के आ रहा है। एक पॉइंट मैं और बताऊँगा जिसके लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंटली कीनली ट्रेड उसके अंदर करेगा, दैट इज़ ऑपरेशनल मार्जिन, जिनको हम एबिट मार्जिन कहते हैं और एबिट का प्रॉफिट कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे 16% के नंबर आए, 16% मतलब ठीक है, मार्जिन एक्सपेक्टेड था कि बढ़ के ही आएगा, लेकिन 16% का एबिट मार्जिन ये अपने आप में काफ़ी बेहतर है। और एक कंसोलिडेशन का बता रहा हूँ, इसके अंदर ओटीसी, रिटेल, जियो, इनका सारे बिजनेस कैलकुलेटेड है, उसका ये मार्जिन होता है जो करीब आया है 16%, और ये 13.5 से बड़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट करीब करीब 3% से मार्जिन का इम्प्रूवमेंट आया है। साथ ही इनका जो एबिटा आया है, जिसको हम कामकाजी मुनाफा या ऑपरेशनल प्रॉफिट कहते हैं, वो आया है 35,000 करोड़ रुपया। 35,000 करोड़ रुपये से खर्चे ऑपरेशन मतलब टैक्स काटेंगे, डिडक्शंस करेंगे, तो उसके बाद आपका जो मुनाफा आएगा 15,000 यानी कि 16,000 करोड़ रुपये के आसपास का है। लेकिन जस्ट डबल है इसका अबीटा, जो कि बढ़कर आया है 4,000 करोड़ से, और ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 33 से 33.5 करोड़ का नंबर आएगा, लेकिन नंबर आया 35,000 करोड़ का। तो आप मार्जिनस के बेसिस पर, एबिटा के बेसिस पर, ओटीसी के बेसिस पर, रिटेल के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि नंबर सुपर्ब है। सिर्फ जियो के बेसिस पर नंबर कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो कुल मिला के रिलायंस के नंबर्स का ये लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा। अब स्टूडियो की तरफ हम वापस चलते हैं और कुछ खबरें भी आपके सामने होंगी। बैक टू स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका डिम्पी और इस पूरी जानकारी के लिए, और इसके साथ ही जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे हैं उनका विश्लेषण करने के लिए। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। सरकार की ओर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और किसी भी सेलिब्रिटी की ओर से विज्ञापन या प्रचार करने पर गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन आखिर सरकार को ये गाइडलाइन क्यों जारी करनी पड़ी, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। आखिर सरकार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी द्वारा किसी भी विज्ञापन करने या प्रचार करने को लेकर के गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी, इसको समझने के लिए दो आंकड़े समझने होंगे। एक तरफ जहां भारत में फिलहाल 1,00,000 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो ऑटो, टेक, लीगल, अलग अलग सेक्टर में वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं, वो एक तरीके से कंज्यूमर्स के बाइंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज भी इसी तरीके की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पूरा मार्केटिंग इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा, ये बाजार जो 2022 में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का था, वो हर साल 20% की दर से बढ़ता हुआ उम्मीद है कि 2025 तक 2800 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। इन तमाम स्थिति को देखते हुए सरकार को ये फौरी तौर पे लगा कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए, और वो ये बताए कि सोशल मीडिया पे जब आप प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, तो कंज्यूमर को स्पष्ट तौर पर पता चलना चाहिए कि ये विज्ञापन जो है किसी कंपनी के साथ करार करके किया गया है, या पैसों के एवज में, या किसी और चीज के लेन देन के जरिए ये प्रचार किया गया है। यही वजह है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी करी है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी के एंडोर्समेंट को लेकर के। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को अगर वो एंडोर्स कर रहा है और उसके लिए कोई पैसे लिया है या फिर कोई और उस कंपनी के साथ में कोई करार किया है, तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना होगा। अगर प्रिंट के माध्यम से प्रचार है तो प्रिंट में लिखना होगा कि ये एक पेड सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। अगर वीडियो में है तो नीचे टिकर, जिसको हम पट्टी कहते हैं, वो आपको चला करके डिस्क्लोज करना होगा कि किस तरीके का ये एंडोर्समेंट है। तो इसके जरिए कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस देने की यहां पे कोशिश की गई है। और अगर वायोलेशन होता है, मान लीजिए कंज्यूमर शिकायत करता है और या फिर सीओ मोटो लेकर के सरकार देखती है कि उनकी गाइडलाइंस का वायोलेशन होता है, तो 10,00,000 रुपए से लेकर
लेकर के 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यही नहीं, सरकार उस अकाउंट को सस्पेंड कर भी सकती है। तो इस तरीके से कड़े कदमों के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ये इसका सही तरीके से लोगों को पता चल पाए, कंज्यूमर को पता चले कि ये पेड है या नॉन पेड है, और उसी हिसाब से कंज्यूमर अपने बाइंग पैटर्न को तय करे। बढ़ते आगे, और सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है, उस पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के सचिव रोहित सिंह ने बताया कि इसका मकसद लोगों को उस सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है जिसका एंडोर्समेंट किया जा रहा है। उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। जो जरूरत आगे की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी गाइडलाइंस हो, ये जरूरत क्यों आपको महसूस हुई और आपने क्या किस तरीके का फ्रेमवर्क तैयार किया है? तो ये सारी चीज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आती है, जहाँ कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो कानून है जी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो बेसिक वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स है वो कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं करना चाहिए किसी को, और उसी का एक लॉजिकल कॉरोलरी है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यानी भ्रामक विज्ञापन से उपभोक्ता भ्रमित होकर गलत चीज़ खरीद सकता है, ज़्यादा पैसे दे सकता है। तो अभी तक जो विज्ञापन थे वो मोस्टली ज़्यादातर प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इन चैनल्स में ज़्यादा आ रहे थे, बट पिछले कुछ वर्षों में ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक नए एडवर्टीजमेंट का माध्यम बन के उभरे हैं, और इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, कई के तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और ये अगर किसी चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं, किसी अपने जो इनके इन्फ्लुएंस में लोग हैं उनको कोई पदार्थ खरीदने को प्रेरित कर रहे हैं, तो इस गाइडलाइन में सिर्फ ये इतना है कि उनको बताना होगा कि ये जो वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो पैसा देकर या किसी मटेरियल कनेक्शन के तहत कर रहे हैं। इट इज फॉर द राइट ऑफ कंज्यूमर टू नो, उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि ये विज्ञापन है और ये उनका खुद का वो एंडोर्समेंट नहीं है। सर, मोटे मोटे तौर पे अगर मान लीजिए वीडियो या प्रिंट के माध्यम से या अलग माध्यम से जिस तरीके से ये इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइज करते हैं, किस तरीके से उनको ये डिस्क्लोजर करना होगा कि ये किसी मटेरियल उसके एक्सचेंज के उसके तहत किया जा रहा है? तो अगर ये पिक्चर की पोस्ट है तो पिक्चर पे वो लेबल होना चाहिए, okay. अगर वीडियो है तो वीडियो के शुरू में और बीच में ये आना चाहिए कि ये विज्ञापन है, okay. और ये अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग है तो उस पर टिकर के माध्यम से नीचे एक आना चाहिए कि जो भी कहा जा रहा है ये पेड है, ताकि जो उसको देख रहा है और जो पोटेंशियल उपभोक्ता है उसको ये पता रहे कि ये सारी चीजें एक विज्ञापन के समक्ष है, समकक्ष। बढ़ते आगे, बजट में इंफ्रा में निवेश के लिए ज्यादा आवंटन का ऐलान हो सकता है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक प्लान पर सरकार का खास फोकस होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस कर सकती है, और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जिन प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है उसके फास्टर इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंड एलोकेशन में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत जो बजट आउटले है उसमें 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, लेकिन अब इस फंड आवंटन में आगामी बजट में करीब 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत प्रोजेक्ट्स की पहचान हो गई है। अब सरकार का फोकस ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी तेजी से हो, लिहाजा बजट आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है। सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो रेलवेज एंड रोड हाईवेज के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर फोकस किया जाएगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है इन दोनों ही सेक्टर में उसमें भी बढ़ोतरी की जा सकती है, और साथ ही साथ फंड एलोकेशन में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की योजना तैयार की है। अगले कुछ सालों में करीब 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्लान जो है वो तैयार किया गया है, ताकि
आने वाले दिनों में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है वो तेजी से किया जा सके, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो बजट एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जहां तक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इस वक्त जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है करीब 13-14% के आसपास है। सरकार की योजना ये है कि इसको 10% से कम किया जाए, और उस दिशा में मास्टर पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान जो है वो एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। बजट में किस सेक्टर के लिए खुलेगा खजाना, टैक्स पेयर को खुशी होगी या मिलेगा बहाना, वित्त मंत्री कैसी देंगी इकोनॉमी को रफ्तार, उनके किन किन ऐलानों से खुश होगा बाजार, किसकी भरेगी झोली, किसका रहेगा खाली हाथ। मैं आनंद राठी, 89 स्वदेश पर बजट देखिए मेरे साथ। और आगामी बजट 2023-24 से नौकरी पेशा लोगों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए मुंबई में नौकरी पेशा लोगों की यानी सैलरीड क्लास से बात की हमारे सहयोगी विश्व मोहन ने। इस बार बजट से आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद रख रही हैं आप? जो 2,50,000 का स्लैब है अगर उसको इंक्रीज करके हम 5,00,000 कर सकते हैं तो वो बहुत रिलीफ मिलेगा एक बार। यानी जो टैक्स स्लैब का जो दायरा कई सालों से जो 2,50,000 का जो पहला स्लैब है फर्स्ट स्लैब को बढ़ाकर 5,00,000 करने की मांग इनकी तरफ से। एक और एम्प्लॉई है, इनसे पूछते हैं सर आप लोगों की क्या डिमांड है इस बार? आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत चेंजेस लाना जरूरी है। 25,000 लिमिट है, वी कैन इंक्रीज दैट 50,000 कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। अभी ATC में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, लाइफ इंश्योरेंस का एक अलग कैटेगरी भी हो सकता है। नहीं बहुत अच्छी डिमांड है। एक तो ये इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस इतना महंगा हो चुका है कि इसका दायरा बढ़ाना जाना चाहिए, क्योंकि 25,000 की जो छूट है ATD के अंदर में जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये काफ़ी कम है, और ATC के अंदर से इंश्योरेंस को हटा के एक अलग से हेड बनाना चाहिए और इंश्योरेंस को उस कैटेगरी में डालना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों एक तो नहीं हो सकता है, तो ATC से उसे अलग करना चाहिए। हमारे साथ एक और एम्प्लॉई है, सर आप क्या चाह रहे हैं? सर इस बार एक्सपेक्टेशन हाई है, एक तो कैपिटल गेन टैक्स में रेट में थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सर? और शॉर्ट टर्म, इफ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है तो बेटर है, बट लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली करना चाहिए। और जो एग्जेम्प्टेड 1,00,000 है उसको इंक्रीज करके 2,00,000 करना चाहिए, और टू प्रमोट EV तो चार्जिंग स्टेशंस जो हैं अभी उसके लिए एक्सेप्शनल बजट देना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उनके लिए बजट देना चाहिए, और साथ ही LTCG के लिए जो 1,00,000 तक की जो छूट है जो टैक्स पे राहत मिलती है 1,00,000 तक के रिटर्न पर वो उसमें उसका दायरा बढ़ाकर 2,00,000 करने की इनकी मांग है। आपकी डिमांड क्या है सर बजट पे? डिविडेंड में जो प्रीवियसली 10% टैक्स इंट्रोड्यूस किया है इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स वो मुझे लगता है कि निकाल देना चाहिए, और दूसरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा के 1,00,000 कर देनी चाहिए। ओके, यानी 40 से बढ़ाकर पहले 50 की गई, अब इनकी मांग है कि उसे बढ़ाकर 1,00,000 कर देना चाहिए, साथ ही डिविडेंड टैक्स से भी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं, कुछ और एम्प्लॉई है, सर आपकी क्या डिमांड है इस बार बजट? बजट से डिमांड है, अभी ATC का लिमिट काफ़ी सालों से बढ़ाया नहीं है तो वो बढ़ना चाहिए। अभी अपना बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया है, मतलब तकरीबन 6-7 महीने में 2-3% का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, मेरे खुद को पर्सनली भी बढ़ा है। अब उसके कारण से ATE की जो डिडक्शन मिलती है मुझे आज 2,00,000 की मिलती है, लेकिन उसके सामने मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ATC का लिमिट बढ़ना चाहिए और ATE का भी बढ़ना चाहिए। यानी ATC और ATE दोनों की लिमिट बढ़ने चाहिए, और ATC में इतने सारे कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के इतने इन्वेस्टमेंट की चीज़ें रखी हुई हैं कि काफ़ी क्लटर्ड हो गया है और दायरा बहुत कम है, 1,50,000 है, उसे बड़ा करने की बड़े दायरे की मांग की जा रही है। सर आपकी बजट से क्या उम्मीद है? सेम जैसा उन्होंने बोला कि आजकल इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हाउसिंग लोन जो स्पेशली मेट्रोस में है ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो गया है घर बनाना, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो काफ़ी पहले 5-10 सालों में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ना पड़ता है, तो उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 2,00,000 ही है, उसको काफ़ी अभी बढ़ाना चाहिए। ओके, यानी हाउसिंग लोन पर जो ब्याज लगता है उस पर 2,00,000 तक सालाना हर वित्त वर्ष में छूट दी जाती है, तो वो 2,00,000 के छूट का दायरा बढ़ना चाहिए, और साथ ही ATC के अंदर जो उनका प्रिंसिपल रीपेमेंट का जो ATC के अंदर में है उसका भी दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। मैम आपकी क्या डिमांड है इस बार बजट से? मेरी दो डिमांड्स है, पहली डिमांड ये है कि जो
एक तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है 7-8 सालों से, जो मिनिमम वेज रेट है वो आई थिंक थोड़ा बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिससे परचेसिंग पावर भी बेटर हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा. और दूसरी चीज़ जो चाइल्ड केयर अलाउंस जो 100 रुपये का होता है मंथली, वो अगर 100 रुपये से थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 500 कर दिया जाए, तो आई थिंक वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स तो बहुत कम है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है वो सब महंगे हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा हो जाएगा अगर वो लिमिट और वो ये बढ़ जाएगा तो. और चलिए अब बात करते हैं आज बाजार के एक्शन की. बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट हावी रही. निफ्टी 80 अंक गिरकर 18,030 के नीचे बंद हुआ. वहीं सेंसेक्स में 230 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिला. ज्यादातर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए. ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी. बाजार में हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी थी. निफ्टी में अगर हम देखें तो 80 अंक नीचे क्लोज हुआ निफ्टी. लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी थी. 42,500 के ऊपर की क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली, 177 अंक ऊपर. लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे अगर तो जो गिरने वाले शेयर्स थे उनकी तादाद आज ज्यादा थी. लगभग हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो शेयर्स ऐसे थे जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे. तो डिक्लाइंस वाले शेयर्स आज ज्यादा थे. तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो मंदी वाले आज मंदियों का जो पड़ला था वो भारी था आज दिन भर बाजार में. और ऐसा ही कुछ आज हमने इंडेक्स में भी देखा. जो दबाव दिखा आज बाजार में वो मेटल, रियल्टी और FMCG शेयरों की तरफ से ज़्यादा दिखा. और आज का टॉप लूजर था HUL. यहाँ पर नतीजे तो अच्छे थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रॉयल्टी बढ़ाने का जो घोषणा की कंपनी ने उसके बाद शेयर में कमजोरी बढ़ी और हमने देखा कि 4% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना ये स्टॉक. तो शेयर होल्डर्स को ये जो घोषणा थी वो पसंद नहीं आई. हिंदुस्तान जिंक ने भी एक घोषणा की थी. यहाँ पर वेदांता के जिंक एसेट खरीदने का फैसला निकल कर आया, जिसमें कि वेदांता तो चढ़ा करीब 2%, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में आज हमने देखा कि 7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है. इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबरें थी जिसका कि असर आज हमने मार्केट में देखा. HDFC लाइफ के नतीजे आए. नतीजे आने के बाद हमने देखा कि 2.5% की गिरावट वहां पर देखने को मिली. कुछ और निफ्टी गेनर्स पर अगर नजर डालें तो आज मजबूती थी कोल इंडिया में. कोल इंडिया में हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे हफ्ते तेजी बनी हुई थी और आज भी 1.25% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ. पावर ग्रिड मजबूत था आज. HDFC बैंक में आज अच्छी तेजी थी जिसने कि निफ्टी बैंक को भी लीड किया और 1% की मजबूती यहां पर दिखी. HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, दोनों ही HDFC स्टॉक्स ट्विंस में आज हमने मजबूती देखी. FMCG ओवरऑल स्पेस तो कमजोर था, लेकिन ITC में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी. इधर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे दिग्गज कॉरपोरेट से उनके बिजनेस प्लान को हम समझ रहे हैं. और इसी कड़ी में ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने पेटीएम के CEO और फाउंडर विजय शेखर शर्मा से खास बातचीत की. विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनियों को अब आसानी से पैसे मिलने का दौर खत्म हो चुका है और मार्केट ये इशारा कर रहा है. पेटीएम QR इज व्हाट UPI QR इनहेरिटेड. So Paytm's QR became the nation's QR, and now UPI with many other stakeholders, we're very proud of participating in this Asian economy of India. NPCI has done a tremendous good job, and I'm so happy that together with them we do so much of incredible amount of inclusion and innovation on payments. When it comes to the rest of the world, what we are seeing is there are payment and credit combination with commerce is incredibly at an influx moment in our country. Now, international always remains an opportunity to look at it, but not for us in next seeable future. I mean, I would rather say that if we even would have thought earlier that sometime we will go international, right now the opportunity is hami asto. Simple thing. Earlier, when we used to line item wise make money, we would expand another line item of business. Right now, what we are saying is that the core business now has dramatic profitable opportunity. Earlier, we were not sure whether payment will make that much of money. We were not sure whether credit will be accepted by people at a scale that we are looking at it. And now that we've seen it, we are saying that, we don't need to discover newer frontiers to make newer money. We need to actually expand in the core business. That's why. So I'd say that we would continue to invest in newer businesses. But earlier we would go to even new business, like let's say we did try food delivery business, by the way, at a very small number of time. We partner with Zomato that time.
But now we're like, oh, we don't need to do this. Our partners are doing it. As in, commerce is a good job done by our partners. Let's participate and expand that. Versus now we're saying that payment and credit, which earlier was not sure of whether it'll generate that much amount of contribution margins, profit or not, we are expanding on that. And subscription. Imagine a shopkeeper who does not pay for MDR, UPI MDR, which is subvention by government. Will that person pay or not? I mean, it was not possible before COVID. So COVID has dramatically changed and expanded our business model. In last 2 years, what has happened is what we as Paytmers, me as entrepreneur, would have not expected. I mean, it's a quantum leap in business model that we see. और पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत टॉप पर है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे अश्विनी वैष्णव ने इसे देश की बड़ी ताकत बताया. December 2022, the digital payment transactions amounted to $1.5 trillion annualized basis. And that is, if you compare the total of US digital transactions, UK, Germany, France, combine the four, multiply by four, it's more than that. और अब बात नौकरियों के मामले में. साल 2023 के शानदार आगाज की तो आज सुबह पीएम मोदी ने देश के करीब 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की. इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये 2023 का पहला रोजगार मेला है. नए साल की शुरुआत उज्ज्वल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है. बता दें कि पिछले साल दो रोजगार मेलों में पीएम मोदी की ओर से करीब 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं. 2023 की शुरुआत उज्ज्वल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है. ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है. मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. आज का यह आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा. यह तीसरा एडिशन है. उड़ीसा में भी पिछले दो बार अच्छे संख्या में नियुक्ति पत्र दिया गया. आज 128 बच्चों को यह नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत दिया गया. इस साल 10 लाख नौजवानों को नवयुवतियों को रोजगार दिया जाएगा. बड़ा अच्छा फील हो रहा है. मतलब बहुत सालों की मेहनत थी तो आज कंप्लीट हुआ है. उसका बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट जिससे अच्छा लगा. तो बहुत बिल्कुल मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ है. बिल्कुल कोई कुछ हमारा जैसे हमारा हमने पेपर दिया हमारी रैंक के अकॉर्डिंग हमें पोस्ट भी एलोकेट हुई है. लोकेशन भी हमारी रैंक के हिसाब से मिले. सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये जॉब लेना. काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये योजना चलाना. इसके तहत हमें अपने टाइम पर अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिला है. आज उन्होंने रोजगार मेला के आत्मे की कगार पर खड़े उत्तराखंड के शहर जोशीमठ की तो पिछले कई दिनों से भूधंसाव के खतरे से जूझ रहे जोशीमठ में सीजन की पहली बर्फबारी ने रहवासियों और प्रशासन दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ताज़ा बर्फबारी के चलते जहां जोशीमठ के बाशिंदों में दहशत है वहीं असुरक्षित निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है. बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 23 और 24 जनवरी को भी जोशीमठ चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है जिसके बाद अनुमान जताया जा रहा है कि बर्फबारी के बाद जोशीमठ में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. लाजमी है कि बर्फ के कारण जो बर्फ और बारिश में लेबर अभी काम नहीं कर पाएगी तो अभी कुछ टाइम के लिए काम रुका हुआ है. तो हम ये बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहे हैं. उसके बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा. और जाते जाते तस्वीरें केदारनाथ धाम की. बाबा केदारनाथ के कपाट भले ही अभी बंद हों लेकिन जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं उन्हें देखकर बाबा के कुदरती श्रृंगार का ये मौका जो आपके सामने है वो आपका भी मन करेगा कि आप वहां पहुंचकर इसके साक्षात दर्शन करें.
केदारपुरी इन दिनों सफेद चादर ओढ़े हुए है। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम गई है। चारों ओर से गिरी बर्फ के बाद बीच में स्थित केदारनाथ मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है।